2019 में इन युवाओं से कहा गया कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब उसे सुनाया जा रहा है कि 70 घंटे काम करो और काम का पता नहीं। वो आजीवन सैनिक बनना चाहता है हमारा युवा, आपने 4 साल का अग्निवीर बना दिया, अब तो ये लोकतंत्र का अनिवार्य हत्यारा बन गया है। जैसे कोई बल्लेबाज सोचता होगा कि हमारी बल्लेबाजी या गेंदबाजी इस तरह की होनी चाहिए, गेंद की रफ्तार ऐसी होनी चाहिए। जब सरकार आपसे सच छुपाना चाहती है तो वो क्या है जो छुपाना चाहती है? अगर पैसा कारण था तो मुकेश अंबानी का चैनल सबसे अच्छा होना चाहिए था। आपको चिन्हित करने लगा, आपके लेखकों को चिन्हित करने लगा, उन्हें गद्दार, देशद्रोह, तरह तरह के नामों से पुकारने लगा। ये सूचना के लठायत हैं ये सारे जो अभी आए हैं। ज्यादा अच्छा शब्द गुंडा लगता है, लेकिन ठीक नहीं लगता है, क्योंकि किसान आंदोलन करने गए तो बिना जाने पड़ताल किए मीडिया ने झट से उन्हें आतंकवादी कह दिया, क्योंकि फेक न्यूज जो है दरअसल वही सरकारी न्यूज था, वो पॉलिटिकल न्यूज था। जो फेक न्यूज है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा है, वो साहब का है, आप उस पर हाथ मत डालो। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की पहले हत्या की, वही उनके संपादक हैं, वही उनके समाचार हैं, वही उनके विचार हैं, वही उनके प्रचार हैं। आप सभी आचार हैं और बेकार हैं। इस मीडिया में आप मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सबके गुण देख सकते हैं, मगर विपक्ष को जब यह दिखाता है तो मरियल सा बताता है। अदाणी और पुलवामा को लेकर कभी सवाल नहीं करेगा। जिस तरह से पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की हत्या कर दी, उसी तरह इन दर्शक और पाठकों ने अपने भीतर के दर्शक और पाठक की हत्या कर दी। अगर आप सांप्रदायिक नहीं हैं, मुसलमान से नफरत नहीं करते हैं, तो फिर गोदी मीडिया में आप क्या करते हैं? आज के गोदी मीडिया में हर तरह की बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है। एक जो अच्छी आत्मा थी, संविधान की आत्मा, वो मीडिया से बाहर कर दी गई है। मैं मीडिया की बात जब भी करता हूं तो हमेशा उस मुख्य धारा की बात करता हूं जिसे सरकार और बाजार कई लाख करोड़ रुपए के विज्ञापन देते हैं, आप लोगों की नहीं। अब तो ये लोकतंत्र का अनिवार्य हत्यारा बन गया है। आज चुनौती ये है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, या बचे हुए लोकतंत्र को जिंदा रखना है कि जितना है उतना ही रख लें, तो इस मीडिया से लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। जो 2014 जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो तारीख नहीं है, बदलाव का एक युग है। जैसे कोई बल्लेबाज सोचता होगा कि हमारी बल्लेबाजी या गेंदबाजी इस तरह की होनी चाहिए, गेंद की रफ्तार ऐसी होनी चाहिए, उसका स्विंग ऐसा होना चाहिए, इस तरह का सपना मुझे इस पेशे से जुड़े हुए लोग, पढ़ने वाले लोगों में नजर नहीं आता है। आज की तारीख में आप गोदी मीडिया के चैनलों में प्रोडक्ट के आधार पर फर्क करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। इस पर लंबी बातचीत हो सकती है कि किस तरह बाजार का विज्ञापन, कॉरपोरेट का पैसा नफरत फैलाने की और लोकतंत्र की हत्या करने की इस इंडस्ट्री में लग रहा है। पहले मीडिया बहाना बनाया करता था जब उस पर सवाल उठते थे कि आपका कॉन्टेंट बहुत खराब है, तो एक बहाना था कि दर्शक ही ऐसे हैं, टीआरपी नहीं आती है, तो हम टीआरपी के लिए वैसे करते हैं, जीने के लिए। लेकिन अब मुकेश अंबानी को तो इसकी मजबूरी नहीं है, उनके पास तो बहुत पैसा है। टीआरपी से कितना पैसा आता है? 20 करोड़, 25 करोड़। इसके लिए भी उनके चैनलों की क्वालिटी, अगर पैसा कारण था तो मुकेश अंबानी का चैनल सबसे अच्छा होना चाहिए था। पर उसी चैनल पर उनका एंकर बैठ के बोलता है परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। और एक ऐसा मॉडल विकसित हुआ है जिसे देखकर कोई भी अब आश्वस्त नहीं हो सकता कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। 2014 के बाद से मीडिया ने अपनी शक्ति के उस स्रोत को बदल लिया, वो सोर्स ही खत्म कर दिया कि हमें जनता से शक्ति नहीं लेनी है, सरकार से शक्ति लेने लगा और पूछना बंद कर दिया सरकार से, जनता से पूछने लगा, आपको चिन्हित करने लगा, आपके लेखकों को चिन्हित करने लगा, उन्हें गद्दार, देशद्रोह, तरह तरह के नामों से पुकारने लगा। वो एक तरह से जैसे चुनावों के समय पहले बाहुबली हुआ करते थे, उसी तरह से अब ये सूचना के नए बाहुबली हैं। ये सारे लोग लठायत हैं, इनका काम आपको सूचना देना नहीं है, बल्कि यहां की सूचना कहीं और ना पहुंच जाए उसे रोकना है। ये सूचना के लठायत हैं ये सारे जो अभी आए हैं। ज्यादा अच्छा शब्द गुंडा लगता है, लेकिन ठीक नहीं लगता है, क्योंकि गुंडो वो कहीं और भी उसके कई सारे अर्थ निकल आते हैं उसके। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो जनता को धमकाता है, और जब किसान आंदोलन करने गए तो बिना जाने पड़ताल किए मीडिया ने झट से उन्हें आतंकवादी कह दिया। ये कभी नहीं हुआ, जिन्हें अन्नदाता कहा जाता था, पता नहीं किसानों के लिए कितनी अलंकृत शब्दावलियां विकसित कर दी गई थी कि ये हैं वो हैं, उन्हें एक झटके में आतंकवादी कह दिया गया, आंदोलनजीवी कह दिया गया। तो जब मीडिया जनता का ही विरोधी हो जाए, विपक्ष का विरोधी हो जाए, तो उससे उम्मीद करना कि वह किसी तरह से संविधान का पालन करेगा अपने खाली समय को बर्बाद करना है। कि जो फेक न्यूज है इसका खंडन करना, इसको बताने का काम हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फेक न्यूज जो है दरअसल वही सरकारी न्यूज था, वो पॉलिटिकल न्यूज था। तो अगर आप उस पॉलिटिकल फेक न्यूज का खंडन करते तो आप उसकी निगाह में आ जाएंगे, सबका मालिक एक है। तो इसलिए ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव ने यह जिम्मेदारी उठाई, आउटसोर्स हो गया। ये छोटे छोटे संगठन मीडिया और सरकार के झूठ को, अब फर्क करना बहुत मुश्किल है कि ये फेक न्यूज किसका है,
सरकार का है या मीडिया का है, सरकार के लिए है या मीडिया के द्वारा फैलाया गया फेक न्यूज है। ये जो समाचार एजेंसी है ANI, इसके न्यूज को वो कितनी बारीकी से पकड़ता है, कई बार इस तरह से पकड़ता है कि डिलीट करना पड़ जाता है ANI को अपने ट्वीट से, क्योंकि सारे अखबार के मालिकों को, चैनल के मालिकों को पता है कि जो फेक न्यूज है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा है, वो साहब का है, आप उस पर हाथ मत डालो, ये काम करना आपका नहीं है, बल्कि हो सके तो उसी में से लेके कुछ अपना अपनी शाम का डिबेट निकाल लो। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की पहले हत्या की। ये बहुत जरूरी था कि पहले अपनी संवेदनाओं को, अपने पेशेवर क्षमता को, कौशल को वो मारें, तभी वो काम कर सकते थे। इस मीडिया की स्क्रीन पर विपक्ष और जनता अब नजर नहीं आती है। इसकी खबरों का अब एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुंदर चेहरा है। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अलग अलग राज्यों में घटती भी रही, बढ़ती भी रही, लेकिन उनके प्रति गोदी मीडिया एक समान से निरंतर निष्ठावान बना रहा, क्योंकि वह उनमें समाहित हो चुका है। वही उनके संपादक हैं, वही उनके समाचार हैं, वही उनके विचार हैं, वही उनके प्रचार हैं। आप सभी आचार हैं और बेकार हैं। इस मीडिया में आप मोदी, बीजेपी, RSS, बजरंग दल सबके गुण देख सकते हैं, मगर विपक्ष को जब यह दिखाता है तो मरियल सा बताता है, उसका उपहास उड़ाता है, विपक्ष के सवालों को कभी जगह नहीं देगा, अदाणी और पुलवामा को लेकर कभी सवाल नहीं करेगा, उनका काम नजर ना आए, उन्हें जो भी समर्थन मिल रहा है उसे रिजेक्ट करता है। राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव, ये सब 50 के आसपास और उससे नीचे के नेता हैं उम्र के हिसाब से, तो ये नई पीढ़ी के नेता थे। इन्हें जोकर बनाकर पेश करेगा, इन्हें करप्ट बनाकर पेश करेगा। उस देश में जहां युवा नेताओं की बात होती है, वहां युवा इन युवा नेताओं को नहीं दिखाएगा, बल्कि 70 साल के नेता को युवाओं के नेता के रूप में लगातार पेश करता है, उनके काम करने के घंटे का प्रचार करेगा, उनसे सवाल नहीं करेगा। तो विकल्प की कल्पना से मुक्त यह गोदी मीडिया मोदी का संकल्प ले चुका है, वह उनकी पूजा भी करता है और अपने दर्शकों से उनकी पूजा भी कराता है। 2019 में इन युवाओं से कहा गया कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, अब उसे सुनाया जा रहा है कि 70 घंटे काम करो और काम का पता नहीं। वो आजीवन सैनिक बनना चाहता है हमारा युवा, आपने 4 साल का अग्निवीर बना दिया। ये एंकर क्यों नहीं कहता कि जवान को पूरी नौकरी मिलनी चाहिए? और हैरानी होती है कि जो जनता शाम को दर्शक होती है, सुबह पाठक होती है, कैसे इसे सहन कर रही है। जिस तरह से पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की हत्या कर दी, उसी तरह इन दर्शक और पाठकों ने अपने भीतर के दर्शक और पाठक की हत्या कर दी, उसकी जगह धर्म को बिठा लिया है। किसी की हत्या पर खुश होने, किसी समुदाय के परमानेंट सोल्यूशन की बात करते हुए गर्व करने की एक नई संवेदना आ गई है। अब वह सही खबर नहीं पढ़ सकता, जब तक गलत खबर नहीं पढ़ेगा तब तक मानेगा ही नहीं कि उसने जो खबर देखी है वो सही है। आप धर्म निरपेक्षता से सांप्रदायिक बहुत आसानी से हो सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता से धर्म निरपेक्ष होने में बहुत ही असाध्य प्रक्रिया है। ये सबके बस की बात नहीं है। जो एक बार सांप्रदायिक होता है वो बहुत लंबे समय के लिए सांप्रदायिक होता है, और जो सांप्रदायिक होता है वो उसके साथ साथ हत्यारा भी होता है। अगर हत्यारा नहीं होता है तो हत्या का समर्थक होता है। तो इतना आसान नहीं है कि आप उसे एक झटके में कह दें कि तुम गोदी मीडिया मत देखो। वो क्या करेगा, वो कैसे जिएगा, उसे अब जीना भूल गया है वो। अगर आप सांप्रदायिक नहीं है, मुसलमान से नफरत नहीं करते हैं, तो फिर गोदी मीडिया में आप क्या करते होंगे, कैसे अपना दिन बिताते होंगे, यह भी सोचने की बात है। तो आज पत्रकार होने के लिए सांप्रदायिक होना और एंटी मुस्लिम होना पहली शर्त है, और जब आप सांप्रदायिक हो गए तो आप किसी भी तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक नहीं हो सकते। वो संभावना आपके भीतर ही खत्म हो गई, वो किसी संस्थान से पैदा नहीं की जा सकती। और हिंदू मुस्लिम का मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं अक्सर एंटी मुस्लिम का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि अब सब एक तरफा है। तो जब पत्रकारिता सांप्रदायिक हो जाए, उसके भीतर के लोग भीड़ की हत्या पर जश्न मनाने लग जाएं, क्या आप उसे संविधान का पाठ पढ़ा सकते हैं? आज के गोदी मीडिया में हर तरह की बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है। एक जो अच्छी आत्मा थी, संविधान की आत्मा, वो मीडिया से बाहर कर दी गई है। अभिसार शर्मा को लेकर एक सांसद ने नाम ले लिया कि चीन से पैसा ले रहे, कहीं कोई प्रमाण नहीं है, और उस पर मुख्य धारा के गोदी मीडिया ने उस पर बहस भी कर दी। अभिसार खुद पत्रकार है, तो अब पत्रकार को उस मीडिया से लड़ना पड़ रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, तो आम नागरिक की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। 2019 में ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय जांच एजेंसी ने ABC न्यूज चैनल पर छापा मारा, और एक पत्रकार के घर भी छापे पड़े थे। तो क्या हुआ था कि इसके विरोध में वहां के जितने भी क्षेत्रीय अखबार थे, कम प्रसारण वाले और राष्ट्रीय अखबार थे अधिकतम प्रसारण वाले, इन सब ने अपने पहले पन्ने पे कुछ काट पीट लगा दिया काले रंग से, जो लिख के उस पे काली स्याही लगा दी कि जिससे आप पढ़े नहीं, विरोध में सारे अखबारों ने किया था। और TV चैनलों पर विज्ञापन चला था कि सरकार, जब सरकार आपसे सच छुपाना चाहती है तो वो क्या है जो छुपाना चाहती, इस तरह से चला था उस देश में। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या हमारे यहां चल सकता है? नहीं चल सकता है।